Hello all lovelies, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Today I'm going to share with you guys my Friday routine. As you know, Friday is something special in our day. So jume ka din shuru hota hai, ek to weekend hota hai, isliye shuru thodi der se hota hai. तो देर से शुरू होने के बावजूद जुम्मे की नमाज़ के लिए हमें तैयार होना होता है, तो उससे पहले पहले हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से मैं अपने दिन के काफ़ी सारे काम निपटा लूँ. तो उसमें मैं अपनी बेडरूम की बेडशीट वगैरह चेंज की, अपने अच्छे से कपड़े निकाल लिए क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के लिए ख़ुद भी तैयारी करनी थी. हस्बैंड ने जुम्मे की नमाज़ की तैयारी की और वो जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में रवाना हुए. और तो यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों में औरतें भी जाती हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. आई रियली लाइक टू गो टू द मॉस्क, पर पता नहीं क्यों, मे बी जो हमारे घर के पास वाली जामिया मस्जिद है वहाँ पर वुमेंस प्रेयर एरिया जो है वो बंद होता है. हाँ, रमज़ान में तरावियों का टाइम वो ज़रूर खुलता है, तो तरावियाँ पढ़ने में ज़रूर जाती हूँ और वो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. उसके बाद हम जब वो जुमे की नमाज़ पढ़ के आए, फिर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया. उसके बाद हम चले गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए पांडा. और पांडा जाके हमें पता चला कि हमारा पांडा जो नियरेस्ट पांडा है वो जल्द ही हाइपर पांडा में चेंज होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली इन सितंबर तक वो अपग्रेड हो जाएगा. और फिर उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हमें जुबेल सिटी तक नहीं जाना पड़ेगा और हमारे घर के नियरेस्ट है ये, और हम लोगों को बहुत सारी अच्छी ऑफर्स यहीं से मिल जाया करेंगी. लेकिन एक नुकसान ये भी है कि इसी बहाने हम थोड़ा सा आगे थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं. मुझे वैसे भी घूमने फिरने का काफ़ी शौक है और मेरे हस्बैंड का ख्याल है सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बैठ जाना चाहिए. खैर, ये तो हर घर की मसले और कहानियाँ चलते ही रहते हैं. आप और आपका लाइफ पार्टनर कभी भी एक जैसे नहीं होते. फिर हमने की ग्रॉसरी करने के बाद जब हम घर लौटे तो मैंने फटाफट बोनलेस चिकन कढ़ाई बना ली क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मोटे का फ़ायदा उठाया जाए. और फिर मैंने जल्दी जल्दी वो अपनी कढ़ाई बनाई. इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि मेरा ओपन किचन है, तो मैं अपने ओपन किचन से अपने मेन हॉल में झांकती रहती हूँ और वहाँ पर जो भी बैठा हो, स्पेशली मेरे हस्बैंड, तो उनसे गुफ्तगू करती रहती हूँ और बातों का ये सिलसिला चलता रहता है. मुझे अच्छा लगता है. और सबसे मज़े की बात ये होती है ओपन किचन का एक फ़ायदा कि मैं अपना टीवी 24/7 hours इंजॉय कर सकती हूँ वाइल कुकिंग. वाह, क्या बात है. तो फिर मैं यूजली अपना जो है टमाटर वगैरह सब कुछ ब्लेंड करके डालती हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी वही काम कर रही हूँ कि मैंने यहाँ से प्याज को पहले जब वो हल्का ब्राउन सा होना शुरू हुआ वाइट, क्योंकि मैंने वो बोनलेस बनाना था और कढ़ाई बनानी थी इसलिए ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे उसको, तो थोड़ा सा वाइट हो गया ऑनियन, तो फिर मैंने उसको निकाल कर उसको चॉपर में चॉप कर लिया. टमाटर और सब्ज़ मिर्ची में हमें सब्ज़ मिर्ची हमेशा चॉप करके डालती हूँ और उसका एक डिफरेंट टेस्ट आता है. आपको भी ट्राई करना चाहिए अगर आप नहीं करते हो तो. इट्स जस्ट अ सिंपल टिप. और हाँ, जहाँ पर हम अपनी हांडियों में नमक मिर्ची तो रेगुलर जो डालते हैं वो तो डालते ही हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर जो कि कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, अगर वो आप थोड़ा सा ऐड करोगे तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट टेस्ट टू योर हांडी. जो आपकी एक टिपिकल रोज़मर्रा की हांडी है उसको एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट ज़रूर देती है, तो आप ये वाली ट्रिक भी ज़रूर अप्लाई करिएगा अपनी रूटीन में. तो मैंने बनाया कढ़ाई रोस्ट जो कि बहुत लजीज बना था. और कल मैंने बनाया था क्योंकि कल फ्राइडे था और आज सैटरडे है और सुबह दिन को भी हमने वही चलाया. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, स्टे ट्यून्ड. बाय.